हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एस फॉर यू नॉलेज। दोस्तों, आपने इस लड़के को कभी न कभी अपने सोशल मीडिया पर सी मीम या वीडियो में ज़रूर देखा होगा। इस लड़के का एक्सप्रेशन आपका हर मूड को दर्शाने में काम आता है। तो चलिए जानते हैं महापॉपुलर मीम वाले इस लड़के की कमाल की कहानी के बारे में। दोस्तों, हिंदी में कहावत है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये इस लड़के पर बिल्कुल फिट बैठती है। ये नाइजीरिया का रहने वाला है। इस लड़के का नाम ओसिता इहिम है। इसका जन्म नाइजीरिया के इमो राज्य के एक छोटे से शहर में हुआ था। दोस्तों, जिन्हें आप बच्चा समझते हैं ना, वो बड़ा हो चुका है। इसकी उम्र जान के आप लोग चौंक जाएंगे। जी हाँ, इस लड़के की उम्र 39 साल है। हाइट ज़्यादा छोटी होने एवं रेयर कंडीशन के कारण ये आज भी बच्चे ही दिखाई देते हैं। इनका जन्म 20 फरवरी 1982 को नाइजीरिया में हुआ था और ये बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। इन्होंने अपने बचपन की पढ़ाई आईएमओ स्टेट नाइजीरिया से की एवं आगे की पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से की है। बचपन से इनका सपना फुटबॉल प्लेयर बनने का था, लेकिन आगे जान के इनका यह सपना एक्टिंग में बदल गया। उसके बाद से उन्होंने एक्टिंग के लिए ऑडिशन देना स्टार्ट किया एवं उनको 2003 में एक फिल्म अकीना उकवा में एक बच्चे का रोल मिला। इस मूवी में इन्होंने बच्चे का रोल किया था, जिसमें उनका नाम पाँव पाँव था। बाद में इनका ये नाम पूरी नाइजीरिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। आज भी उनको पूरा नाइजीरिया में पाँव पाँव के नाम से ही बुलाया जाता है। ओसिता 2002 से ही फिल्मों में काम कर रहे हैं। वो आज तक 100 से भी अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्हें बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। और हम लोग जो उनकी वीडियो क्लिप देखते हैं, वो दरअसल अभी से 17 साल पहले की वीडियो क्लिप है और उसमें ज़्यादातर क्लिप वही फिल्म अकीना ओकावा ही है, जो इनकी पहली फिल्म थी। इनकी शादी भी हो चुकी है और इनकी पत्नी का नाम रोमा है और इनके एक बच्चा भी है। फिल्मों में एक्टिंग करने के अलावा इन्होंने एक मोटिवेशनल बुक भी लिखा है, जिसका नाम इंस्पायर 101 है। ये तो हो गए इनके बारे में। अब हम लोग जानेंगे ये महापॉपुलर मीम स्टार कैसे बने। ओसिता को मीम्स स्टार बनाने का क्रेडिट ब्राजील की एक लड़की निकोल को जाता है। ब्राजील की लड़की निकोल को इनकी फिल्म बहुत अच्छी लगी तो उसने सारी फिल्म इनकी देख डाली। उसके बाद उस लड़की ने ट्विटर पर एक अकाउंट बनाया, जिसका नाम रखा @nollywoodroll और उस पर इनकी फनी वीडियो क्लिप्स डालने लगी। धीरे धीरे इनकी पोस्ट के व्यूज बढ़ने लगे और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और इस तरह ये महापॉपुलर मीम्स स्टार बन गए। हम लोग जानेंगे ग्लोबल मार्केट में इनकी पहचान कैसे मिली, मतलब ये दुनिया में ये कैसे प्रसिद्ध हुए। इनको विश्व भर में प्रसिद्धि तब मिली जब अमेरिकन पॉप स्टार रिहाना की कंपनी फेंटी ब्यूटी ने इनके मीम्स का इस्तेमाल किया। इसके बाद अमेरिका का फेमस रैपर 50 सेंट ने भी इनके मीम्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद ये पूरी दुनिया में फेमस हो गए। आज सोशल मीडिया पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ओसिता के मीम्स को ना देखा हो। तो दोस्तों, चलिए इनकी कुछ फनी क्लिप्स देखते चलें। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. Shut up! This is business! Hey! I invested the money! Stop talking! I will kill you! Sorry. Sorry, sir. Hey! Dada. Hey. Why? और इनकी फनी क्लिप्स दिस इज बिजनेस मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एवं आगे इसी तरीका का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।